HTML, that is hyper text markup language. Okay, so what is hyper text here? Hyper text means the text which contains hyperlink, ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर हाइपरलिंक्स होते हैं. हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? कनेक्शन के लिए होते हैं. ओके, एक एक वेब पेज को जब आप दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करते हो, किसकी हेल्प से करते हो? हाइपरलिंक की हेल्प से करते हो. तो ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर क्या है? हाइपरलिंक्स है. ओके, दैट टेक्स्ट इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप मीन्स टेक्स्ट. इस लैंग्वेज में आप क्या यूज करते हो? टेक्स्ट. ओके, तो इसको इसलिए क्या, इसलिए इसका नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. वो लैंग्वेज जिसके अंदर हम हाइपरलिंक्स का यूज करते हैं, हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हैं और टेक्स्ट का यूज किया जाता है. फाइन, सो इट इज द बेसिक लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब. तो HTML का जो बेसिक यूज है वो क्या है? वो वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए होता है. ओके, जितना आप देखते हो वेबसाइट्स, वेबसाइट्स में क्या होते हैं? वेबसाइट, व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेब पेजेस, राइट? ओके, तो वहां पे किस लैंग्वेज का आप यूज करते हो? HTML लैंग्वेज का यूज करते हो, जहां पे हमारे को क्या होता है? स्टैटिक वेबसाइट्स होती है, सिंपली इंफॉर्मेशन आ रही है. ओके, आपको कोई इंटरेक्शन नहीं करता करना. ओके, तो वहां पे क्या HTML पेजेस का यूज किया जा सकता है. ओके, HTML was developed in November 1990 by Tim Berners-Lee. ओके, तो यहाँ पे HTML को किसने डेवलप किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1990 में. HTML is a subset of SGML, Standard Generalized Markup Language. HTML क्या है? एक पार्ट है. सबसेट क्या होता है? पार्ट. एक पार्ट है एक बड़े से ग्रुप का, ठीक है, जो क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर डेवलपिंग वेब पेजेस. ये HTML क्या है? एक स्टैंडर्ड है. ओके, फॉर डेवलपिंग वेब पेजेस, वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए जो हमारा एक स्टैंडर्ड है. जैसे CBSE है, CBSE क्या है? एक स्टैंडर्ड है. तो CBSE के स्कूल्स क्या हो गए? उसके सबसेट हो गए. फाइन, और ऐसे ही HTML क्या है? HTML का सबसेट है, उसका पार्ट है. ओके, HTML इज कॉल्ड अ मार्कअप लैंग्वेज एज इट कंटेन्स डिफरेंट मार्कअप्स टू स्पेसिफाई डिफरेंट कमांड्स. ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिफरेंट मार्कअप्स का मतलब डिफरेंट टेक्स्ट का यूज करता है डिफरेंट कमांड्स के लिए. फाइन, दीज मार्कअप्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेक्स्ट. ओके, HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है. इट कैन बी रिटन आइदर इन द लोअर केस लेटर्स और इन द अपर केस लेटर्स. आप लोअर केस लेटर्स में भी लिख सकते हो कमांड्स को, आप अपर केस लेटर में भी लिख सकते हो, और आप मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी कर सकते हो. फाइन, द एस्टिमेट डॉक्यूमेंट इज सेव्ड विद द फाइल एक्सटेंशन .stm और .html. सो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल. आप उसको सेव कर सकते हैं .html से भी या .stm से भी. फाइन, द एस्टिमेट डॉक्यूमेंट इज रिटर्न इन टेक्स्ट एडिटर्स लाइक नोटपैड और वर्डपैड. तो यहाँ पे HTML की कमांड्स लिखने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर्स चाहिए होता है. जैसे नोटपैड हुआ आपका, टेक्स्ट पैड हुआ, वर्डपैड हुआ, वहां पे आप HTML की कमांड्स क्या करोगे? आप टाइप करोगे. ओके, एंड इट कैन बी व्यूड विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर्स. और आप जो फाइल बनाते हो, ओके, उसको किसकी हेल्प से आप व्यू करोगे? किसकी हेल्प से आप देखोगे? वेब ब्राउजर्स की हेल्प से देखोगे, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा एक्सेट्रा, राइट? देन वी हैव टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML. HTML में कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML, कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स. ओके, कंटेनर टैग्स नीड बोथ एन ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग. कंटेनर टैग्स कौन से होते हैं? जिनके बीच में कुछ ना कुछ डेटा कंटेन होता है, कुछ ना कुछ डेटा वो रखते हैं अपने बीच में, अपने स्टार्टिंग टैग में एंड क्लोजिंग टैग में. तो यहाँ पे दो टैग्स चाहिए होता है, एक ओपनिंग टैग एंड एक क्लोजिंग टैग. फाइन, दीज टेल द ब्राउजर वेन टू बिगिन अ कमांड एंड वेन टू एंड इट. तो ये क्या बताता है? कब कमांड बिगिन होगी और कब कमांड एंड होगी. ओके, मोस्ट टैग्स कंप्राइज ऑफ कंटेनर टैग्स. और जो HTML के टैग्स हैं उनमें 90% टैग्स कंटेनर टैग्स हैं. फाइन, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये हमने HTML टैग स्टार्टिंग एंड देन HTML टैग की एंडिंग, देन बॉडी टैग स्टार्टिंग, बॉडी टैग की एंडिंग, लाइक फॉन्ट टैग स्टार्टिंग एंडिंग. तो ये सारे क्या है? कंटेनर टैग्स है. और जो इसके स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में क्या होता है? कंटेंट होता है. फाइन,
ओके नेक्स्ट टाइप इज एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट द ओपनिंग टैग्स। एम्प्टी टैग होते हैं सिर्फ ओपनिंग टैग्स होते हैं, इसमें एंडिंग टैग्स की जरूरत नहीं होती। इन दीज द क्लोजिंग टैग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। क्लोजिंग टैग्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइक हॉरिजॉन्टल रूल एच आर टैग। तो आप एच आर यूज करोगे, सिंपली यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रूल आ जाएगी। ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन बी आर यूज करोगे तो आपका टेक्स्ट जो आपका जो कंट्रोल है आप वो बी आर किस लिए यूज होता है, द कंट्रोल गोज टू द नेक्स्ट लाइन, राइट, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। फाइन, तो हमने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है। फाइन, तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे एचटीएमएल टैग। जो आपका सबसे पहला टैग यूज होता है एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग के अंदर आप यूज करोगे हेड टैग, राइट। हेड टैग में आप क्या देते हो, हेड इंफॉर्मेशन देते हो। फाइन, और हेड टैग के अंदर क्या आता है आपका, टाइटल टैग। फाइन, टाइटल टैग के अंदर आप दोगे अपना वेब पेज का टाइटल। जैसे मैंने यहां पे दे दिया माय फर्स्ट एचटीएमएल ट्यूटोरियल। फाइन, अब आप टाइटल टैग को क्लोज कर दोगे, फाइन, क्योंकि ये क्या है, कंटेनर टैग है। और फिर हेड टैग को क्लोज कर दोगे। फाइन, तो ये क्या हुआ, आपका जो वेब पेज की हेडलाइन आएगी, मतलब वेब पेज का जो टाइटल आएगा वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, अब हम वेब पेज की बॉडी स्टार्ट करेंगे। ओके, अब आपकी वेब पेज की बॉडी आएगी। तो क्या होता है, बॉडी टैग इज द कंटेनर टैग दैट स्पेसिफाई द एक्चुअल बॉडी ऑफ द वेब पेज। तो बॉडी टैग के अंदर जो भी आप स्पेसिफाई करोगे वो क्या होगा, एक वेब पेज की एक्चुअल बॉडी होगी, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज आर स्पेसिफाइड विद इन द बॉडी टैग। जितने भी वेब पेज के एलिमेंट्स होते हैं वो आप किसके अंडर देते हो, बॉडी टैग के अंडर देते हो। फाइन, तो यहाँ पे हमारा बॉडी टैग आ गया। अगर मैं बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम बनाऊं, बिल्कुल ही सिंपल प्रोग्राम, तो मैंने यहाँ पे किया दिस इज माय, आप किसी भी उसमें कैपिटल लेटर या आप किसी भी लेटर में, लोअर लेटर में आप इसको इसकी कमांड्स लिख सकते हो। फाइन, दिस इज माई फर्स्ट एस्टिमेट ट्यूटोरियल। ओके फाइन, मैंने इसको बॉडी को क्या कर दिया, यहां से क्लोज कर दिया। फाइन, उसके बाद आपने क्लोज कर दिया एस्टीएमएल। तो अभी हमने बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर हमने टाइटल दिया है और बॉडी के अंदर एक छोटा सा सेंटेंस दिया है, दिस इज माई फर्स्ट एस्टिमेट ट्यूटोरियल। ओके, अब इसको सेव कैसे करेंगे, फाइल पे जाओ या फिर आप कंट्रोल एस से भी कर सकते हो। सेवेस में यहाँ पे आप नेम दे दोगे, कोई भी नेम दे दो आपने, जैसे आपने दे दिया फर्स्ट ट्यूटोरियल। फाइन, डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे डॉट, फाइल का नेम डॉट HTML, ये नहीं आपको भूलना है कि फाइल का नेम आपको जरूर देना है। कुछ भी आप नेम दो उसके साथ आपको उसकी एक्सटेंशन जरूर देनी है। ओके, यू हैव टू गिव द एक्सटेंशन फर्स्ट ट्यूटोरियल डॉट HTML। फाइन, इसको मैंने कर दिया सेव, तो ये मेरा सेव हो गया है। ओके, अब हम देखेंगे इसको डेस्कटॉप पे अपने, ये आ गई आपकी फाइल। फाइन, राइट क्लिक करो उस पे एंड ओपन विद, जो भी आपके पास ब्राउजर है आप उसके उस पे उसको ओपन कर लो। ओके, नाउ आप देख सकते हो आपका जो जो आपका इसकी हेडिंग आई है वो क्या आई है, माय फर्स्ट एस्टिमेट ट्यूटोरियल, लुक एट दिस एंड दिस इज योर वेब पेज। वेब पेज में सिर्फ अभी आपने क्या दिया, दिस इज माय फर्स्ट एस्टिमेट ट्यूटोरियल। ओके, ये आपका वेब पेज आ गया। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।